हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं आज आगे लेकर आया हूँ जॉम्बी ओरिजिन एपिसोड 3। और अगर आपने जॉम्बी ओरिजिन एपिसोड 2 और 1 नहीं देखे तो देख लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई कार्ड में। दोस्तों, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए और एक्साइटमेंट वीडियोज़ लाते रहे और हमें सपोर्ट कीजिए। तो एक्साइटमेंट का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हमने जॉम्बी डेड डेज में बताया था कि वो कहानी एक पैरेलल यूनिवर्स अर्थ 2149 की थी, वैसे ही ये कहानी है एक अर्थ 1610 की, जिसको कहते हैं अल्टीमेट यूनिवर्स। और यहाँ के फैंटेस्टिक फोर को अल्टीमेट फैंटेस्टिक फोर, और वैसे ही यहाँ के एवेंजर्स को द अल्टीमेट्स कहा जाता है। इससे पहले वाले इशू में रीड रिचर्ड ने एक टेलीपोर्टर बनाया था जो कि एंड जोन में जाकर खुलता है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद बैक्स्टर बिल्डिंग के मालिक यानी जॉनी और सुजन स्टॉर्म के पिता ये प्रोग्राम बंद करने को कहते हैं। और ये इशू उसके बाद वाला इशू है कि शुरुआत में हम देखते हैं द थिंग को, जो 150 मिलियन साल पहले जाकर रीड को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था और साथ ही एक डायनासोर से बचने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मजबूरन उसे उस डायनासोर को मारकर बेहोश करना पड़ता है। फिर रीड से बात करता है कि बताओ क्या बात है। तब रीड कहता है कि सिर्फ उन लोगों को ढूंढो और किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, वरना टाइम स्ट्रीमिंग में बदलाव आ सकता है। तब थिंग कहता है ठीक है। तभी ह्यूमन टॉर्च कहता है रीड, मैं जॉनी बोल रहा हूँ, मैंने 10 मील सभी डायरेक्शन में चेक कर लिया है, मुझे नहीं लगता वो इस ऐसे समय में ज़्यादा देर रुके होंगे, सिर्फ यहाँ टाइम ट्रैवल में पिट स्टॉप के लिए रुके होंगे। तभी हम देखते हैं रीड और सू को 200 मिलियन साल पहले, जहाँ रीड जॉनी की बात का जवाब देते हुए कह रहा था हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनका वजन हमसे 30% ज़्यादा है, तो वो दो जंप में डाउन ऑफ लाइफ तक पहुँच सकते हैं। डाउन ऑफ लाइफ के लिए, अगर आपको ये नहीं पता कि डाउन ऑफ लाइफ क्या है, तो ये वही घटना है जहाँ जीवन समुद्र में से निकलकर एक क्रीचर के थ्रू यहाँ धरती पर आया था। और हम आगे देखते हैं, सू कहती है ये कितनी अजीब बात है कि हम अभी वही खड़े हैं जहाँ तुम लोग खड़े हो, लेकिन 50 मिलियन साल पहले। अभी हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कह रहे थे अपना मुंह बंद रखो और यूनाइटेड नेशन को फ़ोन लगाओ और उनसे $10 बिलियन की मांग करो, ये जीव जिसकी वजह से धरती पर जीवन आया हम इसे शूट कर देंगे। तब रीड कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने इवोल्यूशनरी चेन को तोड़ा और जिस जीवन की तुम बात कर रहे हो उसमें से तुम भी एक हो। तो आदमी कहता है किसे परवाह है, अगर आप अमीर नहीं है तो जीने का क्या फ़ायदा, अब फ़ोन लगाओ और उन्हें यहाँ के हालात बताओ। लेकिन नहीं, मुझे पता है तुम स्ट्रेच हो सकते हो और तुम गायब हो सकती हो। उस पर सू पूछती है कि मेरी फोर्स फील्ड का क्या, तुमने कभी उसे देखा है। तब वो कहता है नहीं। उस पर सू जवाब देती है क्योंकि वो इनविजिबल है, और इसी के साथ उन विलन्स को फोर्स फील्ड में कैद कर लेती है और रीड स्ट्रेच होकर उस जीव को बचा लेता है। और साथ ही कैप्टन अमेरिका को कॉल करके कहता है हमने उन कंप्यूटर हैकर्स को कैद कर लिया है, अब हम वापस आ रहे हैं, आते वक्त बेन और जॉनी को साथ ले आएंगे। तब हमें अल्टीमेट फैंटेसी फोर एक टाइम मशीन से बाहर आते देखते हैं, जहाँ पर थिंग कह रहा था ड्यूड तुम्हें यकीन नहीं होगा हमने क्या देखा, वो जगह एकदम जुरासिक पार्क जैसी थी। तब वहाँ पर अर्थ 1610 के एवेंजर्स उनकी राह देख रहे थे, और उस पर कैप्टन पूछता है ये सब आखिर क्या हो रहा है। उस पर ह्यूमन टॉर्च बताता है कुछ नहीं, बस कुछ कंप्यूटर हैकर्स ने हमारे फाइल से कॉपी करके टाइम मशीन बना ली थी और हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि वो किससे उलझ रहे थे। और कहता है कैप्टन क्या मैं आपको कैप कह सकता हूँ। उस पर कैप्टन कहता है बच्चे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे क्या बुलाते हो, और कहता है इसे ट्राइस कैलिबर ले चलो पूछताछ के लिए। फैंटास्टिक फोर को न्यूज़ रिपोर्टर घेर लेते हैं इंटरव्यू के लिए। उस पर सू जॉनी से पूछती है जॉनी ये तुमने किया है ना, तुमने टिप दी होगी न्यूज़पेपर वालों को। तब जॉनी कहता है हम अब पब्लिक नॉलेज बन चुके हैं प्यारी बहना, और अब रिलैक्स करो और अपना चेहरा टीवी पर इंजॉय करो। और फिर फैंटास्टिक फोर वो इंटरव्यू ख़त्म करके वहाँ से जाने लगते हैं। जॉनी उड़ते हुए कह रहा था मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, हमने ये कर दिखाया, हमने डायनासोर देखे। और सू रीड से कह रही थी तुम सिर्फ सुपर हीरो के फर्ज से और कुछ इंजॉय नहीं कर सकते क्या, ज़रा देखो अपनी तरफ। तब रीड कहता है तो तुम क्या चाहती हो, उन लोगों ने हमारे क्रोनो टनल्स नोट चुरा ली है और इसके जवाब में मैं चुपचाप बैठा रहूँ, कम ऑन सू। तभी कुछ लड़कियाँ उसे हाई कहती है। उस पर रीड कहता है अब कुछ इंजॉय लग रहा है। तब हम देखते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग, जहाँ फैंटास्टिक फोर नीचे उतर रहे थे, जहाँ पर सू और जॉनी के डैड यानी प्रोफेसर स्ट्रॉम रीड और टीम पर गुस्सा थे। रीड कहता है एक सुपर गैंग ने हमारे नोट चुरा कर टाइम स्ट्रीम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी प्रोफेसर स्टॉर्म,
पर अब अल्टीमेट्स ने सब संभाल लिया है। तब प्रोफेसर स्ट्रोम कहते हैं, तो अल्टीमेट्स को ही ये सब करने देना चाहिए था। रीड, तुम ये भूल रहे हो कि वो प्रोफेशनल है, तुम उन्हीं पर यह क्यों नहीं छोड़ देते? अब तुम मेरे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालोगे। तब सू और जॉनी अपने डैड से कहते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तब प्रोफेसर टॉम कहते हैं, तुमने लगभग रियलिटी कोलैप्स ही कर दी थी, तुम सिलाई चीज़ों पर काम करना बंद कर दो और टाइम स्टेमिंग का एडवेंचर भी। तब रीड चुप रहता है। इस बात से हमारे इन्वेस्टर परेशान है। रीड, तुम कोई सुपर हीरो नहीं हो, एक साइंटिस्ट हो। वादा करो ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसे मुझसे गुस्सा आए और अपना दिमाग सिर्फ काम में लगाओगे। तब रीड अपनी फिंगर क्रॉस करके कह रहा था, मैं वादा करता हूँ। देखते हैं रीड एन जोन पर काम कर रहा था, तभी उसके सामने की चीज़ें गायब हो जाती है। इससे रीड समझ जाता है कि यह सू का काम है और वो कहता है, हेलो सू। तब सू उसे प्रोफेसर हॉकिंग के साथ होने वाले चेस गेम और डिनर के बारे में बताती है, जिसके बारे में रीड भूल चुका था, और आगे बताती है, तुम अभी भी एन जोन पर काम कर रहे हो, लगातार डैड के कहने के बाद तुमने ये काम बंद कर दिया होगा। तब रीड कहता है, मुझे यहाँ कुछ अमेजिंग चीज़ें पता चली है, ये सब एक सिग्नल से शुरू हुआ है। तब सू कहती है, हमें एन जोन और उसके आसपास जाने से भी मना किया गया है। तब रीड कहता है, लेकिन ये एक पैरेलल अर्थ है, बिल्कुल हमारे जैसी, सिर्फ कुछ डिफरेंसेस है, और ये तुम अपने डैड को नहीं बताओगी, है ना? तब सू कहती है, तुम्हें पता है रीड, मेरे डैड काम में बिजी थे जब तक उन्होंने मेरी मॉम को खो नहीं दिया, और वहाँ से चली जाती है। तब एक आवाज़ रीड से कहती है, चिंता मत करो, मेरी सू भी ऐसी ही है, लेकिन वो एक घंटे में वापस आ जाएगी। तो हम देखते हैं दूसरे डायमेंशन के रेड और फ्रैंकलिन के होलोग्राम को, जो कह रहा था, मैं ये एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, मुझ पर यकीन करो। अब अल्टीमेट रीड पूछता है, ये लड़का कौन है? तब जॉम्बी रीड बताता है, ये फ्रैंकलिन है, मेरा बेटा, और हमारी एक बच्ची भी है जिसका नाम है वेलेरिया, वो भी बाहर गई है अपनी माँ के साथ। तब फ्रैंकलिन कहता है, आप मेरे पापा के छोटे भाई जैसे लग रहे हैं। तब जॉम्बी रीड कहता है, तुम्हारे एवेंजर्स को द अल्टीमेट्स कहा जाता है, और तुम्हारी बैक्स्टर बिल्डिंग भी अलग है, हमारे यहाँ 100 सुपर हीरोज होंगे और हमारे यहाँ हजारों की तादाद में। तब अल्टीमेट रीड कहता है, तुम्हें कोई ऑर्डर देकर दिन भर काम करने के लिए कहता है? तब जॉम्बी रीड कहता है, नहीं, हमारे फैंटास्टिक फोर पूरी तरह सेल्फ फाइनेंस्ड है। तब जॉम्बी रीड कहता है, अगर तुम्हें यह काम पसंद नहीं है तो तुम छोड़ क्यों नहीं देते? उस पर अल्टीमेट रीड कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, बल्कि मुझे यह घर जैसा लगता है। और अब जब तुमने ये कहा कि तुम मल्टीवर्स के होशियार लोगों को इकट्ठा कर रहे हो अपने मिशन के लिए, तो मुझे इस सोचने पर मजबूर कर दिया एक सुपर हीरो की तरह। उस पर जॉम्बी रीड कहता है, तुमने ये टेलीपोर्टर दोबारा बनाया प्रोफेसर स्टॉर्म और तुम्हारी टीम के मदद के बिना। उस पर अल्टीमेट रीड कहता है, इसलिए क्योंकि तुमने इससे गलतियाँ करने से रोका, तुमने होलोग्राम फॉर्म में ही मुझे बहुत मदद की है, और इस ब्लूप्रिंट की वजह से भी जो तुमने ईमेल किए थे, ये तो अच्छा है कि वो गैंग ये समझ नहीं पाए। और तब हमें दिखता है अल्टीमेट रीड टेलीपोर्टर पर खड़ा हुआ, और जॉम्बी रीड उससे कह रहा था, क्या तुम तैयार हो इसके लिए? तब अल्टीमेट रीड कहता है, हाँ, हमेशा की तरह। जॉम्बी रीड उससे कहता है, अच्छा है, बाकी लोग आ चुके हैं मीटिंग के लिए, तुम कॉफ़ी कैसे पसंद करोगे? तब अल्टीमेट रीड कहता है, क्रीम और शुगर 4 चम्मच, और इतना कहकर वो टेलीपोर्ट हो जाता है और पहुँच जाता है जॉम्बी वर्ल्ड में। वो पहुँच कर कहता है, ये कुछ अजीब है, आसपास सब जगह सुनसान देखकर वो जॉम्बी रीड को ढूंढने लगता है। जॉम्बी रीड को ढूंढते वक्त वो वहाँ के सारे हालात देखकर कहता है, आखिर यह इतना भयानक क्या हुआ है? फिर वो अपने सामने देखता है जॉम्बी फैंटास्टिक फोर को, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या अल्टीमेट रीड बच पाएगा या फिर वो भी मारा जाएगा? ये थ्रिल बरकरार रखिए हमारे अगले वीडियो के लिए, और हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करना ना भूले। दोस्तों, हम सीक्रेट वॉर शुरू करने वाले हैं, अगर आप इस सीरीज़ में इंटरेस्टेड है तो हमें कमेंट करें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगला वीडियो आपको 2-3 दिनों में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, और धन्यवाद।